अब आते हैं 11th प्रॉब्लम पे। प्रॉब्लम नंबर 8 या 9 में कुछ ऐसा था कि तीन सर्कल थे, आइडेंटिकल सर्कल जिनकी रेडियस आर 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 थी, और आपसे तीनों के अंदर जो इंस्क्राइब्ड सर्कल था उसका स्मॉल आर पूछा हुआ था। थोड़ा प्रॉब्लम को मैंने और बढ़ाया है, इन जो ब्लू जो सॉलिड ब्लू सर्कल्स हैं इनकी रेडियस गिवन है, इनके अंदर जो रेड सर्कल है उसकी रेडियस निकालनी है, ये ट्रायंगल बन रहा है उसको सर्कमस्क्राइब करता हुआ जो सर्कल बन रहा है उसकी रेडियस निकालनी है, और इन तीनों के ठीक बाहर जो सर्कल बन रहा है उसकी रेडियस निकालनी है। आपको तीन सर्कल की रेडियस निकालनी है, कौन कौन? सर्कल वन जिसको मैं ए बोल देता हूं, सर्कल टू जिसको मैं बी बोल देता हूं, सर्कल थ्री जिसको मैं सी बोल देता हूं। तो आपको सी पाना है, आपको बी पाना है और आपको ए पाना है, ठीक है। गिवन क्या है आपको? ये आर गिवन है, आर गिवन है, ये आर गिवन है। ये थ्री सर्कल्स आइडेंटिकल सर्कल्स देयर रेडियस आर गिवन, यू हैव टू फाइंड रेडियस ऑफ दिस स्मॉलेस्ट सर्कल, दिस सर्कल हैविंग रेडियस बी, एंड यू हैव टू फाइंड सी। सो यू हैव टू फाइंड ए बी सी, राइट। ये ए के निकालने की तो बात हो गई थी, ये आर है, 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 तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया जिसकी साइड 2r है। सेंट्रॉयड से, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंट्रॉयड से कॉर्नर की दूरी मैं बार बार बता चुका हूं कि अगर ये l लेंथ का इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सेंट्रॉयड से बेस की जो डिस्टेंस होती है वो l बाई 2√3 होती है, और इसका ठीक डबल ये होता है, कितना? l बाई √3 होता है इसका ठीक डबल। तो आपका कॉर्नर से वर्टेक्स से सेंट्रॉयड की जो डिस्टेंस हुई वो कितनी हो गई? l बाई √3। तो l बाई √3, l की जगह क्या यूज करेंगे ट्रायंगल का? 2r, 2r बाई √3 ये आ गया, इज इक्वल टू ये डिस्टेंस, यहां से यहां तक तो r है ही, इसकी रेडियस है r प्लस a, r प्लस a, यहां से आपका a आ जाएगा, a आ जाएगा, r कॉमन ले लीजिए, 2 बाई √3 माइनस, ये a आ गया। चलिए b पाने की कोशिश करते हैं, इसकी रेडियस आपको साफ साफ दिख रहा है, यहां से सेंटर से इसकी डिस्टेंस, ये तो वही हो गया जो मैं बोल रहा था कि सेंट्रॉयड से कॉर्नर की डिस्टेंस, सेंट्रॉयड से जो कॉर्नर की डिस्टेंस होगी वही इसका रेडियस होगा b। तो b भी आपका आ गया, b कितना होगा? l बाई √3, और l की जगह क्या यूज करेंगे? 2r, b हो गया 2r बाई √3। चलिए c पूछेगा, c क्या है, इसका रेडियस क्या होगा, c का रेडियस क्या होगा, इस बड़े सर्कल का रेडियस क्या होगा? इसी को थोड़ा और आगे बढ़ा दीजिए, ये ऐसे आप आगे बढ़ाएंगे ये पूरा डायमीटर होगा, यहां कट करेगा जहां ये टच कर रहे हैं, या इसको आप बात करेंगे कि ये बिल्कुल ठीक यहां आ जाएगा। तो इसकी रेडियस आपको पता है इस छोटे सर्कल की, इस बीच वाले सर्कल की, उसमें आप आर और ऐड कर देंगे तो पूरा इसका यहां से लेके यहां तक रेडियस आ जाएगा। तो सी अगर निकालना है मुझे सी, तो वो कितना होगा? ये आर, ये इस वाले की रेडियस, इस वाले की रेडियस, इसका मतलब ए प्लस 2r, a प्लस 2r, इस a में मैं 2r जोड़ दूंगा तो मुझे इसका रेडियस पता चल जाएगा इस बड़े वाले सर्कल का, और a की वैल्यू कितनी है? इतनी, r इंटू 2 बाई √3 माइनस 1 प्लस 2r, तो ये आ गया 2r बाई √3 माइनस r प्लस 2r प्लस r, ये होगा c। तो ये हुआ है लार्जेस्ट सर्कल का रेडियस इतना हुआ, बीच वाले का इतना हुआ, स्मॉलेस्ट वाले का इतना हुआ, ये एक तीन आइडेंटिकल सर्कल में हम इतना पूछ सकते हैं। इसमें एरिया की भी बात हो सकती है, नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं डिटेल में जाऊंगा इसमें।